Hello student, myself Ashok Shakya. I am start second chapter, National Economics related concept. As we know previous chapter, we have studied about the introduction of macroeconomics. But we are going to start the next concept, National Command related concept. National Command related concepts में आपको National Command को जानने से पहले उसके various concepts, यानी measurement करने से पहले various concepts को study करना होता है. अब आपको जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी. वो प्रॉब्लम ये होगी कि आप नेशनल कम में ऐसे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इन्वॉल्व कर लेंगे जो कि उसके नेशनल कम के ट्रीटमेंट में एक्सक्लूड किए जाते हैं. तो उससे पहले आपको वो कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए कि किस चीज को हम नेशनल कम में कंसिडर करते हैं और किस चीज को नेशनल कम में कंसिडर नहीं करते हैं. तो हम सबसे पहले वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं कि हमारे इकोनॉमी में किस तरह के गुड्स होते हैं. एक्चुअल में जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो वो उसको क्लासिफाई नहीं कर पाता है कि ये गुड्स क्या होंगे. गुड्स को क्लासिफाई किया जाता है उसके एंड यूजर द्वारा. दैट मीन्स जो अल्टीमेट यूजर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उस गुड्स को यूज करने के पीछे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके सामने दो गुड्स को हमने क्लासिफाई किया गया है, कंज्यूमर गुड एंड प्रोड्यूसर गुड. कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि कंज्यूमर गुड आपको खुद ही अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है कि कंज्यूमर दैट मींस जो गुड्स कंज्यूमर द्वारा यूज किया जा रहा है. तो हम लोग कंज्यूमर को डिफाइन करें तो कंज्यूमर क्या होता है. कंज्यूमर मतलब द पर्सन और इंडिविजुअल हु यूज द कमोडिटी टू सेटिस्फाई देयर वॉन्ट्स. यानी कि जो किसी भी कॉमोडिटी के अंदर जो एक सेटिस्फाइंग पावर होता है जिसको हम लोगों ने माइक्रो में पढ़ रखा है यूटिलिटी, वो सेटिस्फाइंग पावर यानी यूटिलिटी को कंज्यूम करने वाला व्यक्ति कंज्यूमर कहलाता है. तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्टली अपने वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करता है. जैसे कि हाउस होल्ड, हम लोग जो घर पे भी सामान यूज करते हैं वो सारे गुड्स हमारे कंज्यूमर गुड है, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी यूज होता है गुड्स वो हमें अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लिया जाता है. तो कंज्यूमर गुड वो गुड होते हैं जो कंज्यूमर द्वारा अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली यूज किया जाता है. उसके अगेंस्ट में एक गुड्स होता है जो कि प्रोड्यूसर गुड्स होता है. प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस को एनहांस करने के लिए यूज में लेकर आता है. अब हम उसको क्लासिफाई करते हैं. तो सबसे पहले कंज्यूमर गुड की बात करते हैं. कंज्यूमर गुड की चार कैटेगरीज होती है, ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड और सर्विसेज. ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स का मतलब हो गया वो गुड्स जो कि हम सेवरल ईयर तक इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं. तो हमारे घर में जो ऐसे गुड्स हैं जो हम लोग लास्ट पास्ट टाइम से बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे कि आपके घर में रखी हुई टीवी, रेफ्रिजरेटर, जो कि हमारा ड्यूरेबल गुड्स है क्योंकि इसको हमने काफी समय से इस्तेमाल करते ला रहे हैं और एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में वो डिस्ट्रॉय या अपनी आइडेंटिटी एग्जॉस्ट नहीं करता है. तो ऐसे गुड्स जो मोर देन वन इयर्स यूज होते हैं और लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल में लेकर आते हैं तो हम उसे ऐसे गुड्स को ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड कहते हैं. अब नेक्स्ट गुड्स पे आते हैं, सेमी ड्यूरेबल. सेमी ड्यूरेबल का मतलब है कि जो ड्यूरेबल गुड है जो कि मोर देन वन इयर्स में इस्तेमाल में लाया जाता है उससे कम पीरियड के अंदर इस्तेमाल में लाया जाए. जैसे कि जो वन ईयर और लेस देन वन ईयर की एक्ट ऑफ कंजप्शन में एग्जॉस्ट हो जाए यानी उसकी आइडेंटिटी खो जाए. जैसे कि आपके घर में आपके क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, ये क्या है सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में नहीं खत्म हो रहे हैं पर एक सेवरल ईयर तक भी इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते. तो ऐसे गुड्स जो कि वन ईयर के अंदर एग्जॉस्ट हो रहे हैं उन्हें हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, जो कि आपके क्लोथ्स आ जाते हैं. नेक्स्ट आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल मतलब जो गुड्स एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में एग्जॉस्ट हो जाए यानी इस्तेमाल करते ही खत्म हो जाए. तो आपके घर में ऐसे पेरिसेबल गुड्स होंगे जो आप इस्तेमाल करने के बाद खत्म कर देते हैं, जैसे आपका मिल्क, वेजिटेबल,
जिनको आप कंज्यूम करने के बाद उसको नेक्स्ट बार कंज्यूम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं। तो हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, ड्यूरेबल जो कि एक सिंगल एक्ट में नहीं सेवरल ईयर तक इस्तेमाल में लाए जाएंगे, जैसे कि आपके घर में रखे हुए टीवी, रेफ्रिजरेटर, तो ये कौन से गुड कहलाएंगे बेटा? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। नेक्स्ट आते हैं हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो जो कि एक ईयर, वन ईयर और वन ईयर से कम में यूज हो रहे हैं, जो कि आपके कपड़े हैं, आपके घर में यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, जिनको आप यूज करने के बाद सेवरल ईयर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर कुछ ईयर, कुछ पीरियड में यूज किया जा सकता है, तो वो आपका सेमी ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में खत्म हो रहे हैं, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में जो कि आपके वेजिटेबल, मिल्क, ये सब आ गए। सर्विसेज, सर्विसेज सारी इंटेंजिबल हैं। इंटेंजिबल का मतलब हो गया कि जिनको हम विजिबल नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं, पर उसका यूटिलिटी हमें समझ में आ रही है। तो जैसे हम डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर की सर्विसेज लेते हैं, ये सारी हमारी क्या कहलाएंगी? सर्विसेज हमारी कंज्यूमर गुड का ही पार्ट है। अब आपको एक चीज मैं देख कर रखा है, फाइनल गुड। ये याद रखिए, फाइनल गुड वो गुड होते हैं जो कि प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हो चुके हैं, और हम जब नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं तो हम सिर्फ फाइनल गुड को ही इंक्लूड करते हैं। ऐसे कोई भी गुड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर नहीं हुई है। हम विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री गुड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हो गई है वो उस गुड्स को हम फाइनल गुड कहते हैं, और जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है यानी विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स को क्लासिफाई करना आना चाहिए। तो जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं वो सारे के सारे फाइनल गुड होते हैं। तो एक चीज क्लियर हो चुकी है आपको कि जो भी कंज्यूमर गुड है वो हम नेशनल इनकम में कंसिडर करेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम में कंसिडर करने का एक कारण है कंज्यूमर गुड को कि ये सब गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर है, ये रेडी टू यूज है। तो फाइनल गुड वो होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर है और रेडी टू यूज है। और जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जिसमें हमने हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, आपके फर्म और एक्सटर्नल सेक्टर को स्टडी किया था, तो वो सारे सेक्टर इसलिए स्टडी किए गए थे क्योंकि उनके फाइनल यूजेस को ही हमें कंसिडर नेशनल इनकम में करना है। तो हमारा कंज्यूमर गुड्स सारे के सारे वो गुड्स कंसिडर करता है जो हमारे फाइनल गुड है और जो कि नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करेंगे। इसके अगेंस्ट में एक प्रोड्यूसर गुड्स है। जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करता है। अब यहां पर बच्चों बोर्ड में आपको समस्याएं आ सकती है कि प्रोड्यूसर गुड्स में ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जो कि आपके प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं, जिनको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है, और कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर होते हैं जिन्हें कैपिटल गुड्स कहा जाता है। अब आपको मैंने जैसे आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट में बताया था कि नेशनल इनकम में हम वही चीजों को कंसिडर करेंगे जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर है, तो अब आपसे मैं पूछता हूं कि इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स इनमें से किस गुड्स को नेशनल इनकम में कंसिडर करना चाहिए? क्लियर है, कैपिटल गुड्स, क्योंकि ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर है और उसके नीचे मैंने फाइनल गुड इसीलिए कंसिडर कर दिया गया। तो जब भी हम नेशनल इनकम की कंसिडरेशन में लाएंगे प्रोड्यूसर गुड्स को, तो हमें एक चीज को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि वो प्रोड्यूसर गुड्स का कौन सा गुड फाइनल गुड है और कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड्स है। तो कैपिटल गुड्स की बात करते हैं। कैपिटल गुड्स को क्लासिफाई करना है तो ये हमें पता होना चाहिए कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। वो मशीनरीज जो कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहा है उसे कैपिटल गुड कहा जाता है। तो कैपिटल गुड की कुछ डिस्टिंक्ट फीचर हैं, जैसे कि पहला कि ये यूज फॉर सेवरल ईयर, यानी ये सेवरल ईयर तक इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। तो जो फैक्ट्री के अंदर मशीनरीज हैं, जैसे स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, स्कूल की बसेस हैं, ये सारी के सारी क्या है? स्कूल की कैपिटल गुड है, क्योंकि ये
सेवरल ईयर तक इस्तेमाल में लाई जाएंगी। वहीं कुछ ऐसे भी गुड हैं जो स्कूल में यूज हो रहे हैं और वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, क्योंकि वो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की कॉन्सेप्ट है सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, यानी ऐसा रॉ मटेरियल जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है, जो कि सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में खत्म हो जाता है। तो स्कूल में जो यूज हो रही है चौक, वो एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में, यानी वन ईयर की प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर नहीं जा रही है, यानी कि अगर उसको हम एक साल से ज्यादा इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि चौक को इस्तेमाल करते अपनी आइडेंटिटी खो रहा है। तो वो चौक स्कूल की क्या बन गई है, वो चौक स्कूल की इंटरमीडिएट गुड्स कहलाने लगी है। पर वही स्कूल की बिल्डिंग बसेस क्या होनी है, कैपिटल गुड, क्योंकि वो सेवरल ईयर तक इस्तेमाल हो रही है। पर दोनों ही गुड, चौक ले लीजिए या स्कूल बिल्डिंग्स ले लीजिए या बसेस ले लीजिए, दोनों ही प्रोड्यूसर गुड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कूल या कोई फैक्ट्री इनको यूज कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए इस्तेमाल में नहीं ला रहा है। तो इसके हिसाब से आपको क्लियर हो गया कि प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होता है जो प्रॉफिट मेकिंग यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है। तो इसमें कैपिटल गुड जो कि सेवरल ईयर तक यूज हो रहा है और इंटरमीडिएट गुड जो कि सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में खत्म हो रहा है। वहीं कैपिटल गुड्स को हर कोई भी चीज जिसको सेवरल ईयर तक इस्तेमाल में ला रहे हैं उसको कैपिटल गुड नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू हाई होनी चाहिए। अगर उसकी मार्केट वैल्यू हाई नहीं है तो उसे हम कैपिटल गुड नहीं कहेंगे। इसके अलावा ये कैपिटल गुड प्रॉफिट मोटिव के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर द्वारा ही यूज किया जाता है। एक और चीज इसमें है वो है डेप्रिसिएशन। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें ग्रेजुअली डेप्रिसिएशन डिडक्ट होता रहता है, ठीक है, जिसको हम फर्दर आपको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट MEI और ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट, यानी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स पढ़ने को मिलेंगे, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो वहां पर ये क्लियर होगा। तो डेप्रिसिएशन कैपिटल गुड में होता है, और जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है वो गुड्स कैपिटल गुड नहीं कहलाएगा। वहीं इंटरमीडिएट गुड्स जो कि सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में यूज हो, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन होगा उसका, उसके अलावा ये फर्दर प्रोडक्शन में, दैट मींस रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, और इसको कन्वर्ट कर दी जाती है उसकी आइडेंटिटी एक इस्तेमाल के बाद, जैसे कि क्लोथ है, ठीक है, क्लोथ है, जो भी क्लोथ है उनको अगर टेलर यूज कर रहा है तो उसके बाद वो क्या कहलाने लगेंगे, वो अपने आप यूनिफॉर्म कहलाने लगेंगे सिलने के बाद, तो वो कपड़ा नहीं कहलाएगा, फिर वो ड्रेसेस कहलाएंगी। तो वो कपड़े ने अपनी आइडेंटिटी खो दी जब उसे टेलर ने फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया, तो वो कपड़ा यानी क्लोथ क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। अब आपको मैं कुछ एक ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जहां पर बच्चे फंसते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कार, कार जैसे टाटा कंपनी ने कार बनाई, कार आपको क्या लगती है कि ये कैपिटल गुड है, कंज्यूमर गुड है या इंटरमीडिएट गुड्स है? तो अब ये प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते समय उसको ये नहीं क्लासिफाई कर सकता है कि ये फाइनल गुड में आएगा या इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, काफी लंबे समय में सोचना पड़ेगा कि ये आपका कार इंटरमीडिएट गुड्स कहां हो जाती है। देखिए, सबसे पहले कंज्यूमर गुड कार, आपके घर में जो कार आप यूज कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो वो कंज्यूमर गुड है, और वो कंज्यूमर में कौन सी गुड है, ड्यूरेबल गुड्स है, क्योंकि वो कार आपने किससे खरीदी है, फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स होता है वो क्या कहलाने लगता है, वो कंज्यूमर गुड कहलाता है। तो वो कार जो प्रोड्यूसर ने, टाटा कंपनी ने जो कार बनाई थी, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड बन गया। पर वही कार अगर किसी फैक्ट्री ने अपने कैब के रूप में यूज करने लगे, यानी टैक्सी के रूप में या किसी भी यूज में अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लिया, तो यहां पर उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, तो वो कंज्यूमर गुड तो नहीं रहा, अब वो प्रोड्यूसर गुड बन गया। अब ये प्रोड्यूसर गुड्स में भी उसका फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है नहीं, उसको प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हो चुका है, पर इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है और सेवरल ईयर तक इस्तेमाल होगा, तो वो गुड्स क्या बन गया, आपका कैपिटल गुड्स। तो जो कार या जो भी व्हीकल्स है
जो व्हीकल्स फैक्ट्रियों ने यूज किया, ट्रक यूज किए हैं, तो वो सारे ट्रक्स उसके क्या बन गए, वो उनके कैपिटल गुड्स बन गए, यानी प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स। अब वही कार इंटरमीडिएट भी बन सकती है, प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हो चुकी है, पर अब ये कार इंटरमीडिएट कैसे बन गई, वो अगर उसका पर्पस रीसेल का चला गया, दैट मीन्स वो कार अगर किसी रिटेलर ने खरीद ली, कार डीलर ने खरीद ली, अब कार डीलर वालों ने जब वो गाड़ी खरीद रखी है तो उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस रीसेल का है, यानी उसमें अब वैल्यू एडिशन होगा, यानी उसकी कीमत बढ़ेगी। तो जिस भी चीजों की कीमत बढ़ रही है वो इंटरमीडिएट है, और जिसकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी वो फाइनल गुड है। तो वो जो कार खरीदी गई है रिटेलर द्वारा यानी कार डीलर द्वारा, तो वो बन गई इंटरमीडिएट गुड्स। तो इस तरह से हमें क्लियर हो गया कि हमारा प्रोड्यूसर गुड्स में कैपिटल गुड और इंटरमीडिएट होता है, प्रोड्यूसर गुड्स का जो कैपिटल गुड होता है वो फाइनल गुड होता है, और इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है वो प्रोडक्शन बाउंड्री से अंदर होता है, जिसको हम नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बोर्ड में पूछा जाता है, ऑल मशीन परचेज बाय प्रोड्यूसर इज ए कैपिटल गुड। तो आप देखिए कि यहां पर वो कैपिटल गुड है या इंटरमीडिएट गुड्स है, आपको उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए समझना पड़ेगा कि उसका पर्पस क्या है। अगर वो कार किसी रिटेलर ने खरीद ली है तो वो इंटरमीडिएट में चली गई, और अगर वो कार किसी प्रोड्यूसर ने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल में लाया है तो वो कैपिटल गुड में कहा गया है। कंज्यूमर गुड में ऐसी कोई इश्यूज नहीं आएंगे जिसमें आपको थोड़ा डिलेमा क्रिएट होगा कि आप इसे नेशनल इनकम में कंसिडर करें या ना करें। कंज्यूमर गुड में हमेशा सारे गुड नेशनल इनकम में कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में हम जब स्टेटमेंट बोलते हैं तो हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ फाइनल गुड को ही कंसिडर किया जाएगा। तो अब हमारे कुछ क्वेश्चन है, जैसे ऑल मशीन परचेज बाय ए प्रोड्यूसर इज ए कैपिटल गुड, तो ऑल मशीन्स आर परचेज बाय ए कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर ने जो भी मशीन खरीदी है वो कैपिटल गुड्स है। तो उसमें आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर इसको एक्सप्लेन करना है कि अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है तो वो कैपिटल गुड है, और अगर वो रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन के लिए जा रहा है तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आप फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के दो कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए, आपके आंसर क्लियर हो जाएंगे। फाइनल गुड का पर्पस याद रख लीजिए, अगर इन सब के पर्पस समझ आ गया तो आपको गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कि या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जाते हैं, या फिर वो आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदे जाते हैं। तो जो भी गुड्स दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए खरीदे जाए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो गुड्स को हम फाइनल गुड कहते हैं। वही इंटरमीडिएट गुड्स उनको कहते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदे जा रहे हो या फिर रीसेल के लिए खरीदे जा रहे हो। तो जो भी गुड रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदे जाएंगे तो वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स होंगे, ठीक है। और जो भी गुड्स सेल्फ सेटिस्फेक्शन और इन्वेस्टमेंट के पर्पस से खरीदे जाएंगे तो वो आपके फाइनल गुड कहलाएंगे। जैसे कि टेलर का एग्जांपल लेते हैं, अगर स्विंग मशीन की बात करते हैं, स्विंग मशीन एक हाउसवाइफ ने खरीद ली है तो वो हाउसवाइफ की क्या हो गई है, वो फाइनल गुड हो गई है, क्योंकि वो स्विंग मशीन उसने किस पर्पस से खरीद रखी है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदी है। अगर वही टेलर ने स्विंग मशीन खरीद रखी है
तो वो क्या हो गई, वो भी फाइनल गुड हो गई क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदी गई है। वही अगर हम बात करते हैं, वही स्विंग मशीन एक स्विंग मशीन डीलर ने खरीद ली है, तो वो स्विंग मशीन डीलर किस ऑब्जेक्टिव से सिलाई मशीन खरीद रखा है, रीसेल के पर्पज से, तो वो उसका इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। क्लियर? तो आपको फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ऐसे ही फाइनल गुड में, फाइनल गुड का जो ट्रीटमेंट होता है वो नेशनल गम में इसको जोड़ा जाता है और इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल गम में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है। तीसरा, फाइनल गुड जो होता है वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर होता है और इंटरमीडिएट गुड जो होता है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होता है। ठीक है। इसके अलावा फाइनल गुड का वैल्यू एडिशन नहीं होता, यानी उसका वैल्यू एड नहीं होगा, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू एडिशन होता है। तो हमें क्या क्या कंसिडर करना है? पहला तो फाइनल गुड का पर्पस, उसका परचेज करने का पर्पस और इंटरमीडिएट का परचेज करने का पर्पस। दूसरा, उसका प्रोडक्शन बाउंड्री। ये प्रोडक्शन बाउंड्री से फाइनल गुड बाहर होता, अबाउ द प्रोडक्शन बाउंड्री, और ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होता है कि इसका भी प्रोडक्शन चल रहा होता है, तो विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। इसके अलावा ट्रीटमेंट, ये नेशनल गम में इंक्लूड होता है, ये नेशनल गम में एक्सक्लूड किया जाता है। इसके अलावा वैल्यू एडिशन, फाइनल गुड का वैल्यू एडिशन होता है और इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू एडिशन नहीं होता है। इसके अलावा इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया कि कोई भी गुड जो कि किस पर्पस से, कोई भी गुड जो कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जा रहा है वो आपका फाइनल गुड है। जैसे कि एग्जांपल ले लिया था कि स्विंग मशीन परचेज बाय अ हाउसवाइफ, तो स्विंग मशीन परचेज बाय अ हाउसवाइफ क्या कंसीडर कहलाएगी, वो आपकी फाइनल गुड है क्योंकि इसका सेल्फ सेटिस्फेक्शन का ऑब्जेक्टिव है। ऐसी स्विंग मशीन परचेज बाय अ टेलर, तो वो भी फाइनल गुड है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा गया है। फिर ऐसे ही परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय अ प्रोड्यूसर, तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन में अपनी आइडेंटिटी खो चुका होगा। या फिर स्विंग मशीन परचेज बाय अ स्विंग मशीन डीलर, तो यहाँ पर वो भी इंटरमीडिएट क्योंकि उसका रीसेल पर्पस में चला गया है। तो इस तरीके से हम फाइनल इंटरमीडिएट में डिस्टिंग्विश करते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर गुड में डिफरेंस करते हैं, और इसके बिहार पर आपको क्लासिफाई करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आप इसे कैसे ट्रीट करेंगे। इसके बाद आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इनकम। इनकम दो तरह की होती है, एक होती है फैक्टर इनकम और दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम। इनके बीच में डिफरेंस करने के लिए आपसे कहा जाएगा। तो फैक्टर इनकम वो होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एज ए रिम्यूनरेशन के रूप में दी जाती है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं बेटा, लैंड होता है, लेबर होती है, कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योर होता है। और इनकी इनकम क्या होगी, लैंड की इनकम क्या होगी, रेंट, लेबर की इनकम क्या होगी, वेजेस, कैपिटल की इनकम क्या होगी, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर की इनकम क्या होगी, प्रॉफिट। तो इन्हीं चार इनकम को हम फैक्टर इनकम कहते हैं और इसी को नेशनल इनकम में ट्रीट किया जाता है। तो फैक्टर इनकम रिफर्स टू दोज इनकम विच इज रिसीव्ड बाय अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। वही ट्रांसफर इनकम ये यूनिलेटरल होती है, जैसे कि फैक्टर इनकम बायलेटरल होती है वैसे ट्रांसफर इनकम यूनिलेटरल होती है, यानी वन साइड। इट रिफर्स टू द इनकम और इट रिफर्स टू द रिसीप्ट ऑफ मनी विदाउट रेंडरिंग एनी करस्पॉन्डिंग सर्विसेज, यानी ये ऐसी इनकम है जो कि हम
बिना किसी को पे किए कोई सर्विसेज दिए रिसीव कर लेते, जैसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, तो स्कॉलरशिप के अगेंस्ट में स्टूडेंट ने गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करी है, तो स्कॉलरशिप क्या बन गई आपकी, आपकी ट्रांसफर इनकम हो गई। ओल्ड एज पेंशन, ये हमारी क्या है, ट्रांसफर इनकम है। गिफ्ट, डोनेशन, तो ये सारी चीजें ट्रांसफर इनकम है। क्लियर? अब आपको मैं दूसरा बात बताऊं कि फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में जोड़ी जाती है और ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ी जाती, नहीं इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ट्रांसफर इनकम यूनिलैटरल नेचर की होती है, इसे अनप्रोडक्टिव बिहेवियर माना जाता है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। पर वही फैक्टर इनकम बायलैटरल नेचर की होती है, इसको नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं। ओके, आफ्टर knowing the knowledge of a factor income and transfer income, we are going to conversion of national income. तो उससे पहले हमें कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि depreciation क्या होता है। depreciation और capital loss, दो terms similar लगते हैं, पर डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स का होता है। डेप्रिसिएशन रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ग्रेजुअली, ये ग्रेजुअली होता है, ये धीरे धीरे होता है। तो डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया था कि फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है, तो डेप्रिसिएशन फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो एक इंस्टेंट में नहीं होता है, इसको एक पीरियड लगता है डेप्रिसिएशन को। तो डेप्रिसिएशन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो डेप्रिसिएशन रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का गिर जाना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। और डेप्रिसिएशन होने के वेरियस कारण हो सकते हैं, जिसमें नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते हैं, तो उसमें सामान्य टूट फूट होती है, तो उसको हम नॉर्मल वियर एंड, नॉर्मल वर्ड यूज किया है, तो ये कोई कैपिटल लॉस नहीं है। एक्सीडेंटल अगर वियर एंड टियर होता है तो वो कैपिटल लॉस कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आप एक कार चला रहे हैं, तो एक मंथ में जब कार चलेगी तो उसके जो टायर है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू गिरेगी यानी घिसेंगे, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। पर वो कार चलते समय एकदम से उसके टायर बस्ट हो जाए, ठीक है, उसमें पंचर हो जाए, तो उस टाइम ये कैपिटल लॉस है, क्योंकि वो हमारे एक्सपेक्टेड ऑप्शनल्स नहीं है। तो नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण जब कोई चीज मशीन चलती है तो वो धीरे धीरे उसका इंजन या उसके टायर घिसते हैं, तो वो डेप्रिसिएशन नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण हुआ है। दूसरा कारण हो सकता है पैसेज ऑफ टाइम। किसी भी कैपिटल यानी फिक्स एसेट्स को अगर हम पैसेज ऑफ टाइम में देखें, यानी कि सपोज मान लीजिए कार है और वो कार अभी भी शोरूम में बिकी नहीं है, पर क्या हुआ, वो मॉडल जो था वो 2015 का मॉडल था और 2020 में तक वो बिका नहीं है, अभी तक उसकी सेल नहीं हुई है, तो इसमें क्या हुआ कि वो कार बिल्कुल न्यू ब्रांड है, उसकी अभी भी नॉर्मल वियर एंड टियर नहीं हुआ है, पर उसका मॉडल पुराना होने के कारण उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इस टाइम ये पैसेज ऑफ टाइम के कारण उसका डेप्रिसिएशन हो गया है। इसके बाद तीसरा होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि अगर टेक्नोलॉजी फैशन बदल जाता है, तो जो ओल्ड टेक्नोलॉजी होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है। जैसे कि हम बात करें कि 4G मोबाइल आने के बाद 3G मोबाइल जो टेक्नोलॉजी थी, उस मोबाइल की वैल्यू गिर गई, तो यहाँ पर उस मोबाइल की यानी कि वो फिक्स एसेट्स की वैल्यू गिर गई है, और वो गिरी है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के कारण, ना ही वो मोबाइल यूज किया गया है 3G वाला, और ना ही उसको पुराना हुआ है, पर उसकी क्या हुआ है, उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के कारण उसकी वैल्यू गिर गई है, तो ये भी क्या है, उसका डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन तीन कारणों से होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, यानी कि उसको यूज करने के साथ साथ उसकी जो सामान्य घिसावट होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, या फिर टाइम के साथ वो आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया, तो वो भी
डेप्रिशिएशन है कहलाएगा और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस नई टेक्नोलॉजी के इंट्रोड्यूस होने से पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू गिर जाना भी डेप्रिशिएशन कहलाएगा. तो डेप्रिशिएशन रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. इसका एक कॉन्ट्राडिक्ट कॉन्सेप्ट है वो है कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू एक्सीडेंटल अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. यानी जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया और उसके कारण फिक्स एसेट्स की वैल्यू गिर जाए तो हम उसे कैपिटल लॉस कहते हैं. ठीक है, तो हम नेशनल इनकम के टाइम में क्योंकि डेप्रिसिएशन की एक अकाउंटिंग की जाती है, उसका मेजरमेंट किया जाता है हमारे अकाउंट्स में, उसमें एक सेगमेंट डेप्रिसिएशन के लिए बना होता है, पर कैपिटल लॉस के लिए कोई सेगमेंट नहीं बनाया क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड है. तो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डेप्रिसिएशन fall in the value of fixed asset with the passage of time with the normal wear and tear and expected obsolescence, whereas capital loss fall in the value of fixed asset due to accidental or unexpected obsolescence. Natural calamities आने के कारण अगर fixed asset की value गिर रही है तो वो capital loss है. जैसे कि car use कर रहे हैं और car के चलने से उसके tire घिस रहे हैं तो वो depreciation है, पर अगर वो car चलते समय उसमें आग लग गई है तो वो capital loss है. तो depreciation को क्या है हमारे इन्वेस्ट जब किसी भी इंश्योरेंस कराते हैं तो डेप्रिसिएशन के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं क्लेम कर सकता है क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड है, पर जो अनएक्सपेक्टेड है कैपिटल लॉस उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करती है. तो ये डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा. अब आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स. देखिए इनडायरेक्ट टैक्स जिसको आप जीएसटी के नाम से जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स और दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इंपैक्ट और इंसिडेंस लाइज ऑन ए सेम पर्सन, यानी जिस पर लगाया गया है वही उसके बर्डन को बियर करेगा. और इनडायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू दोज टैक्स हुज इंपैक्ट एंड इंसिडेंस लाइज ऑन ए डिफरेंट पर्सन, यानी लगाया किसी और पर है और उसको उसका बर्डन कोई और बियर कर रहा है. तो इनडायरेक्ट टैक्स सामान पे लगने वाले टैक्स को बोलते हैं. अब नेट इनडायरेक्ट, जब भी नेट लगाया जाता है तो उसको यानी कि उसमें कुछ एरर्स हैं उनको क्लियर किया जा रहा है. तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. तो इनडायरेक्ट टैक्स में जब हम सब्सिडीज को डिडक्ट कर देते हैं तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता है. तो इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स द टैक्स whose impact on incidence lies on a different person. Or subsidies means financial assistance given by the government to the producer. कोई आर्थिक मदद जब सरकार करती है किसी producer को तो वो subsidies कहते हैं. तो जब हम net indirect tax में subsidies को deduct कर देते हैं तो net indirect tax बन जाता है. इसके बाद हमारा next concept आता है जिसमें आपकी बात करते हैं domestic territory. डोमेस्टिक टेरिटरी घरेलू सीमा. डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल टेरिटरी वेयर द सेम गवर्नमेंट प्रिवेल देयर लॉ एंड ऑर्डर. दैट मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी रिफर्स टू द टेरिटरी वेयर द पर्सन इंडिविजुअल एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर इजिली फ्लो. यानी वो टेरिटरी जहां पर व्यक्ति इंडिविजुअल और गुड्स एंड सर्विसेज इजिली फ्लो करती है, यानी उसके लिए गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेना नहीं पड़ता है. तो ऐसी टेरिटरी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं और इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम जनरेट होगी उसे डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है. अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आएंगे, एक तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी, जो भी हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी है यानी कि लैंड वाटर और एयर स्पेस, जितना भी हमारी इंडिया का मैप है उसकी जो लैंड एरिया है जो वाटर एरिया है और जो एयर एरिया है वो सारी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होती है. इसके अलावा एम्बेसीज, हमारी जो इंडियन एम्बेसीज है वो दूसरी देश की टेरिटरी में होंगी पर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है. जैसे कि इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, तो जो इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन न्यूयॉर्क है वो
एम्बेसी इंडियन है पर लोकेट कहाँ कर रही है, न्यूयॉर्क में, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है क्योंकि वहां पर न्यूयॉर्क में जो इंडियन एम्बेसी के अंदर इनकम जनरेट होगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में कंसिडर की जाएगी। इसके अलावा हमारी शिप्स, एयरक्राफ्ट, ये जो भी है जिसका ओनर इंडियन होगा वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। जैसे कि हमारे शिप्स हैं, अगर वो जापान के एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं तो भी वो हमारी क्या है, ट्रेवलिंग डोमेस्टिक टेरिटरी है क्योंकि वो टेरिटरी ट्रेवल कर रही है, पर उसकी जो भी इनकम होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में कंसिडर की जाएंगी। ऐसे ही एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरक्राफ्ट होंगे अगर वो दूसरी कंट्री में खड़े हैं, जैसे सपोज आई एम से दैट कि इंडियन एयरलाइंस स्टैंडिंग इन ए लंदन एयरपोर्ट, तो अगर मैं बोलूं कि लंदन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है क्योंकि वो अब्रॉड है, पर वहां पर जो हमारा शिप खड़ा, एयरशिप खड़ा हुआ है, एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है इंडियन एयरलाइंस, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। इसके अलावा आर्मी बेस, इंडियन आर्मी बेस कहीं पर भी होगा तो उसके अंदर की जो इनकम होगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होगी। जैसे सपोज एग्जांपल ले लिए कि यूएन के पास खुद की अपनी कोई टेरिटोरियल आर्मी नहीं है, पर यूएन को हर कंट्री अपनी आर्मी सपोर्ट देता है, तो जैसे अफगानिस्तान में इंडियन आर्मी सपोर्ट आर्मी के रूप में ऑपरेट कर रही है, तो वो इंडियन आर्मी जो अफगानिस्तान में है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। तो ये हमारे डोमेस्टिक इनकम के अंदर हमें डोमेस्टिक टेरिटरी जानना जरूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है कि दोज इंडिविजुअल और पर्सन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज ऑन ए दैट कंट्री वेयर ही रेसाइड, यानी कि वो व्यक्ति या वो संस्था जो जिस कंट्री में रह रही है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पर लाइज करता है, तो उसे हम नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं। विद इन ए वन ईयर के नहीं, वन ईयर से ज्यादा चल जाता है। जैसे सपोज एक हमारा इंजीनियर है और अमेरिका में वो वन ईयर से ज्यादा रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अमेरिका में लाइज कर रहा है, तो वो इंडियन है पर वो वहां का इंडिया का रेसिडेंट ना कहलाकर वो अमेरिका का रेसिडेंट कहलाएगा, क्योंकि उसको हम जब डोमेस्टिक इनकम की ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको वहां की नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा और नेशनल इनकम में भी वही ट्रीट कर दिया जाएगा। अब हम इसमें कुछ कन्वर्जन की बात करते हैं। जब हम आगे नेशनल इनकम की ट्रीटमेंट पढ़ेंगे या मेजरमेंट पढ़ेंगे तो हमें ग्रॉस नेशनल इनकम निकालनी होगी, नेट नेशनल इनकम निकालेंगी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना होगा, डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक इनकम एंड फैक्टर कॉस्ट निकालने होंगे। तो इस कन्वर्जन को हम समझते हैं। ग्रॉस, ग्रॉस जो होता है वो डेप्रिसिएशन को इन्वॉल्व करके आता है, तो ग्रॉस जो होता है वो हमारा नेट प्लस डेप्रिसिएशन होता है, यानी अगर हम नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं तो वो हमारी ग्रॉस कहलाएगी। जैसे मैंने बोला ग्रॉस नेशनल इनकम, तो ग्रॉस नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें नेट नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, और अगर हमें नेट निकालना है तो हमारा ये डेप्रिसिएशन जो है वो इधर आएगा तो नेट निकल आएगा, यानी कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो अगर हमें नेट इनकम निकालनी हो तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर दिया जाता है, और अगर हमें ग्रॉस निकालना होता है तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देना होता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि मैंने अपनी कार किसी कॉल सेंटर वालों को हायर करने के लिए दे दी गई है, किराए पे दे दिया है। अब उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं आपको हम ग्रॉस पेमेंट 40,000 करेंगे, तो उन्होंने मुझे ग्रॉस पेमेंट कर दिया है, इसके बाद वो कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे, तो इसमें मेरी नेट इनकम भी है और डेप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व है, तो जो मेरी कार है उसके जो नॉर्मल वियर एंड टियर 5,000 का हो जाता है, यानी कि उसकी सर्विस चार्ज, उसके टायर के घिसने, यार तो वो 5,000 डिडक्ट करने के बाद जो मेरे पास इनकम आ रही है वो नेट कितनी है, 35। तो हमारी 40,000 ग्रॉस होगी, उसमें से 35 मेरी नेट हुई और प्लस डेप्रिसिएशन हुआ। तो अगर मुझे नेट इनकम निकालनी है तो 40 में से 5,000 डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देना, तो हमारा पहला ग्रॉस और नेट का कन्वर्जन हो गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम पहले डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं
और डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं। तो जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड कर देंगे, और अगर हमें डोमेस्टिक निकालनी है तो हम नेशनल में से NFIA डिडक्ट कर देंगे। तो अगर हम नेशनल में से NFIA डिडक्ट करेंगे तो हमारी डोमेस्टिक इनकम आ जाती है, और जब नेशनल निकालना हो तो डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर देंगे तो हमारी नेशनल आ जाती है। इसके बाद ऐसे ही मार्केट प्राइस जो होती है वो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया था, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर फैक्टर कॉस्ट में जोड़ दोगे तो मार्केट प्राइस बन जाएगा। जैसे कि सपोज मान लीजिए फैक्ट्री में पेन बन रहा है, तो पेन बनाते समय फैक्ट्री में कितने तरह के फैक्टर कॉस्ट लगेंगे, लैंड अपना रेंट लेगा उस पेन पर, लेबर अपनी वेजेस लेगी, कैपिटल अपना इंटरेस्ट लेगा, और एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सब 1 रुपीज एक पेन पर चार्ज कर रहे हैं, तो जब वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होगा तो जो फैक्टर कॉस्ट निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 4 रुपीज। पर क्या गवर्नमेंट इस पर टैक्स नहीं इम्पोज करेगा, तो सर गवर्नमेंट ने इस पर 2 रुपीज का टैक्स इम्पोज कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स। अब सरकार को गवर्नमेंट को लगा कि ये पेन बहुत हाई कॉस्ट का हो रहा है और जनरल अप्रोचेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इस पर सब्सिडीज दे दी, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दिया कि जो कि माइनस कर दिया जाता है। तो ये जब मार्केट में पहुंचेगा जो कि मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस ये कितने का रह जाएगा, ये 5 रुपीज का रह जाएगा। तो इसमें क्या किया हमने, फैक्टर कॉस्ट में IT प्लस किया और सब्सिडीज माइनस कर दिए। तो यही है मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से 3 कन्वर्जन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कन्वर्जन को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे सारे भी नेशनल इनकम के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अपने आप सही हो जाएंगे। अब मैं एक बार उसको एक शॉर्ट व्यूज में समझा दे रहा हूँ जिससे आप नेशनल इनकम को निकालते समय कोई एरर ना करें। जब हमें ग्रॉस निकालना है तो ऐड करना है, नेशनल निकालना है तो ऐड करना है, और अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो भी ऐड करना है, और अगर हमें नेट निकालना है, डोमेस्टिक निकालना है और फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो डिडक्ट करना है। अब ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया जाता है और नेट में डिडक्ट कर दिया जाता है। नेशनल में NFIA ऐड कर दी जाती है और डोमेस्टिक में डिडक्ट कर दी जाती है। ऐसे मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT ऐड कर दी जाती है और फैक्टर कॉस्ट में डिडक्ट कर दी जाती है। जैसे इसी को लेकर हम चलते हैं तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड कन्वर्जन समझ लीजिए। जैसे बोर्ड ने बोला कि GDP@MP कैलकुलेट करिए और आपके सामने NNP@FC दे रखा है फैक्टर कॉस्ट। अब मैं मुझे NNP@FC से GDP@MP बनाना है, तो इनके पार्टीशन कर लीजिए 1 2 3 1 2 3। फर्स्ट को देखिए, हमें नेट से ग्रॉस में जाना है, यानी नेट से ग्रॉस में जाना है, यानी नेट से ग्रॉस में जाना है। तो जब हम नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, फर्स्ट कन्वर्जन हो गया। सेकेंड, अब ये नेशनल से, यानी नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, ये नेशनल इनकम भी बोल सकते हो, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे बनाना है, तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, तो जब नीचे आ रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं, तो माइनस NFIA। और जब हमें फैक्टर से मार्केट पे जाना है, अब फैक्टर से मार्केट पे जाना है तो फैक्टर से मार्केट जा रहे हैं यानी ऊपर जा रहे हैं तो प्लस कर देना है, तो प्लस NIT। तो इस तरह से हमारा कन्वर्जन हो जाएगा किसी भी न्यूमेरिकल को बदलने में। तो इस तरीके से हम ग्रॉस से नेट, नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल, मार्केट से फैक्टर, फैक्टर से
मार्केट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा नेशनल इनकम के रिलेटेड कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो आप इनमें कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिर से एक बार वीडियो को रिकॉर्ड देख सकते हैं और उसे कन्वर्ट कर सकते हैं।